अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बेल के आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस करें। कोरोना सियासी नहीं कौमी मसला है। अपोजिशन को अवाम से नहीं जाती सियासत से गर्ज है। जलसे जुलूस अवामी दुश्मनी है। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा प्लान बन चुका है, आइंदा चंद रोज में स्कूल्स बंद कर देंगे। प्लान बन चुका है और इंशाल्लाह अगले कुछ रोज में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा कि जो स्कूलों में उसको भी हम ग्रेजुअली जो है तो बंद करने की तरफ जा सकते हैं। जो स्कूलों में उसको भी हम ग्रेजुअली जो है तो बंद करने की तरफ जा सकते हैं। और कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर दें कि तालीमी इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नवंबर अक्टूबर में भी कोरोना वायरस के केसेस आ रहे थे, लेकिन नवंबर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो नवंबर के अंदर जो तालीमी इदारों के अंदर और पूरे मुल्क भर के अंदर जो केसेस हैं कोरोना वायरस के दूसरी लहर के, वो ज़्यादा आ रहे हैं। पहले 1500 थे, अब 2000 के अंदर जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और तालीमी इदारों के अंदर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब तक की जो तमाम वज़रा तालीम और तमाम सूबों की जो पॉलिसी है वो यही है कि जिन तालीमी इदारों के अंदर SOPs की खिलाफ वर्जी पाई जाए और कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हों उनको ही बंद किया जाए। और बिलखसूस आप प्राइमरी जो स्कूल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के हैं, पहली क्लास के, तो वो क्लासेस जो हैं वो बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट के अंदर ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं। तो इस हवाले से कोई मज़ीद अपडेट्स तालीमी इदारों के हवाले से, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, बंद करने के हवाले से या ना करने के हवाले से, या एजुकेशन मिनिस्टर्स के कोई भी इंटरव्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस आती हैं तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करना होगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी